हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी मैजिक ट्रिक के बारे में बताने आ रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना किसी स्केप बिना किसी बैक के साथ हमारे साथ बने रहे मात्र 5 मिनट, और मैं बताऊंगा कि वो वाली ट्रिक कैसे अप्लाई करना है और कहां से करना है और किस तरह करना है, ये सारी जानकारी दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को बिना किसी स्केप बिना किसी बैक के साथ हमारे साथ बने रहे और मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, तो उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जैकेट या जर्किन जो भी है अपने पास, जो पेन रखा आपने, उसके अंदर एक कलर की टी शर्ट या शर्ट पहनना है। उसके बाद ही वो ट्रिक अपन अप्लाई कर सकते हैं और आप जिसको चाहते हैं उसको दिल में बिठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना बिना किसी स्केप बिना किसी बैग के साथ, और हमारे साथ बने रहना। हम बताएंगे कैसे होता है इसमें जादू। तो दोस्तों, इस वाले ट्रिक को हम अप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं कैसे होती है। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा काइन मास्टर में। काइन मास्टर को मैं ओपन कर लेता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद इस प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद हमें साइज सिलेक्ट करना है, साइज सिलेक्ट ये वाली करेंगे अपन। उसके बाद क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बाद हमें लेना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लेने के लिए हमें यहाँ पर इमेज असेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड चॉइस करेंगे, बैकग्राउंड इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं और अदर बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया है। इसके बाद क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद वापस लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें प्रोमो की लगाना है। तो इस वाले वीडियो को ले लिया मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको बढ़ा लेंगे वीडियो के हिसाब से, बैकग्राउंड को वीडियो के हिसाब से। बैकग्राउंड को बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप क्रोमो की में जाएंगे, क्रोमो की को ओपन करेंगे। उसके बाद ये एनेबल के ऑप्शन है, उसको एनेबल करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे, कलर हमारा ब्लू कलर है जिसको हमें हटाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको इस तरह लाना है, इसको भी कोने में लाना है, इसको भी जैसा कि आप देख सकते, दोनों को मिला देना है। मिलाने के बाद जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको रखना है हमें 38 या 39, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना रखने के बाद इसको सेट करने के बाद, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, वापस हमें जाना है की कलर में। की कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें इसको रखना है 38 या 39 या 38, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको कर लिया मैंने 38। उसके बाद इसको करना है 63, और इसको फुल कर देना है जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, वापस जाएंगे, थोड़ा सही से हटा नहीं है, इसको सही करेंगे, इसको भी कम कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से हट जाएगा ये पूरा, ये हट चुका है पूरा। अब इसकी आवाज़ को दबा देते हैं, थोड़ा डबल डबल आवाज़ हो जाएगी, लेयर दो दो हो रखे। तो वापस लेयर में जाना है, इसको बैक करना है जैसा कि आप देख सकते हैं। बैक कर दिया मैंने, बैक करने के बाद लेयर में गया। लेयर में जाने के बाद वापस एक वीडियो सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें बैकग्राउंड में लेना है, छाती में लेना है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, इस तरह से मैं जो वीडियो ले रहा हूं, तो ये वाला वीडियो ले रहा हूँ, तो इसको ले रहा हूँ, तो इसको सेट कर लेंगे हम जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से सेट कर लेंगे हम इस तरह से। अब इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद इस तीन डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेंड टू बैक इस पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये अब सेंड हो गया है बैक साइड में, और इसकी आवाज़ को भी दबा देते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको डबल कर लेते हैं, वीडियो के थोड़ा लेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको आगे बढ़ा लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये। इसको भी बैग में डाल देना है। तीन डॉट पे जाएंगे, सेंड टू बैग, ये भी हो गया सेंड टू बैग। उसके बाद वीडियो चालू करके दिखाता हूँ मैं किस तरह से दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से वीडियो दिखेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से चल रहा है अंदर। तो इस तरह का वीडियो आप भी बना सकते हैं दोस्तों, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।